नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया। हम अभी कुछ आरती की पंक्तियां गाते हैं। अंधन को आंख दे कोड़न को काया, है ना। अंधन को आंख दे तो हम समझ गए कि हमें नेत्रदान करना है, हमको नेत्रदान करना है। गणेश जी कहीं आके आंखें नहीं देने वाले। कोड़न को काया, अंधन को आंख दे कोड़न को काया। कोड़न को काया मीन्स जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी जाके हमें सेवा करें। हम जिस प्रकार हर वर्ष जाते हैं और वहां पर गणेश स्थापना करते हैं, तो अगली लाइन जो आती है बांचन पुत्र देता। यहां पर थोड़ा हम करेक्शन करवाएंगे आप लोगों से। एवरीबडी इज नाउ द डॉटर्स आर वर्किंग लाइक ए सन, हु कंपोज दिस आरती इज ओनली इन द 14th सेंचुरी द मोरिया गोसावी वर्ष दे। तो इन द आरती लाइन बांझन को पुत्र देता। हमने थोड़ा इसको करेक्ट किया या हम जो आप लोग गाते ना, अब हम गाएंगे बांझन को गर्भ देता। कहीं ना कहीं पुत्रियां बोलती है, गुरु जी हमारा नाम क्यों नहीं आता, बांझन को पुत्र दे, पुत्री दे क्यों नहीं आता। तो ये प्रश्न हमारे मन में रहता था। हमने विगत 2 वर्षों से ठीक किया है, लेकिन आज इस संदर्भ में हमें भी बात करने वाले थे। आप जब भी घर पे आरती गाएं, ये करेक्शन कर लें, अपने साथ वालों को बताएं कि उसके अंदर अंधन को आंख दे कोड़न को काया, बांझन को गर्भ दे निर्धन को माया। अब आपसे पूछता हूं, हाउ मेनी आर कन्विंस विद मी? ठीक है ना, आज से हम सब लोग मिलकर संकल्प लेते यस हैं कि बाजन को गर्भदेह ही हम गाएंगे, है ना। जब भी आप गाते, आज हमने भी आरती में मुंह से हमारा निकल गया पुत्र देव, हमने वापस गाई आरती, ठीक करेक्ट करा उसको। ओके, सो नाउ लिटिल बिट द करेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन हमारे नए छोटे बच्चे। अब जैसे पूनम की बच्ची है, वो आरती गाते सोचे कि मन में कि पुत्र क्यों देते आप, व्हाई दे आर आस्किंग फॉर समथिंग। यस नो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप आंदा गाएंगे, जब भी गाड़ती गाएंगे, तब इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और हम अंधन को आंख दे कोड़न को काया, तुम मान गए बुढ़िया, बांझन को गर्भ दे और निर्धन को माया। निर्धन को माया कैसे देंगे हम, या तो भीख के रूप में दे सकते हैं। अगर हम निर्धन को थोड़ी शिक्षा, थोड़ी हुनर, जिसके लिए सरकार अपने अपने जगह पर काम कर रही है, अगर हम उसको हुनर देंगे, शिक्षा का, कोई टेक्निकल ज्ञान का, इट इज वेरी इजी टू डोनेट द मनी, इट इज वेरी गिव सम नॉलेज। अगर नॉलेज देके कोई काम सिखा दिया उसको, तो जिंदगी तरस जाएगी। तो गणेश जी कहीं नहीं है, गणेश जी हम लोगों को बनाने का बोला है कि अंधे की आंख अपनी नेत्रदान करके दे, और वो कुष्ठन को, जो कुष्ठन को उपेक्षित लोग रहते हैं, वहां पर जाके एक आध बार अपनी सेवा करके आए, जो भी उनकी आवश्यकता की चीजें लेके देकर आए। और जो बांझन को गर्भ देत वाली बात है, यह तो प्रार्थना है, यह प्रार्थना करें। लेकिन आज की तारीख में बता दूं, आप बांझन को भी आज की तारीख अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस आ गई हैं कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करें तो जो माँ बनने लायक नहीं उसको भी माँ बना दिया जाता है। और वो डॉक्टर्स ने भी बुद्धि किससे पाई, गणेश जी से। यस, वही गणेश जी से बुद्धि मिली। द डॉक्टर हैज गॉट द इंटेलेक्चुअल पावर फ्रॉम गणेश, एंड वी यूज द इंटेलेक्चुअल पावर विद द हेल्प ऑफ गणेश, ब्लेसिंग ऑफ गणेश, है ना। तो ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? सो एवरीबॉडी से बांझन को गर्भ दे, आज से पुत्र का नाम नहीं। पहले जमाने में हमारा गल्ला कौन संभालेगा, कौन बिजनेस संभालेगा, तो पुत्र कहते थे। लेकिन आज के समय में, चूंकि मैं हीलर हूं, मैं पुत्रियों को जानता हूँ, पुत्रियां आज की तारीख में माता पिता का ज्यादा ख्याल रख रही है। तो पुत्रों पे मैं संशय नहीं कर रहा हूं, बट आज से आप ऐसा करेंगे। क्या परिवार, भारती जी कैसी हैं आप? दादी गई मिलने बच्चों से। हाउ आर यू, हाउस फाइन, हाउस योर हेल्थ? प्रणाम गुरु जी। अच्छी हूँ, मैं अभिनव के घर पे हूँ अभी यहाँ।
वेरी गुड, वेरी ब्लेसिंग बोलेगा अभिनव को हमारी, ठीक है। रागिनी अटलांटा है, मैं उसके हस्बैंड के यहाँ पर रूम से और कोई रहती बात नहीं, बोलिएगा ना। हूँ। ठीक है। स्वाति, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ गुरु जी, प्रणाम। हाँ हाउ इज द सीएटल? एवरीबॉडी इज फाइन? जी, हाँ जी, सब ठीक है, सब बिल्कुल ठीक। नाउ सुचेता जी ऑल्सो कमिंग, शादी इज गोइंग टू जॉइन, देन वी स्टार्ट अवर टॉक। सो नाउ टूडेज डिस्कशन ऑन द गणेशा मैसेज, वेन एवर वी चेंज द आरती, वी चेंज बांझन को गर्भ दे पुत्र नहीं, ये ऊपर वाले पे, ठीक है। अरे और बाकी आप सब लोग खुश हैं, चलो हमारी जय आ गई तो वो सम्मान देगी। भारती जी भी आई गई, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग द पूनम माई डियर डॉटर, कितने बढ़िया, कितने समय बाद देख रहा हूँ तुमको पूनम में, आई थिंक मोर देन ए ईयर। सुचित्रा जी कैसी हैं आप? जी, मैं पहले से बेहतर हूँ। प्रणाम गुरु जी, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, और आपकी जो धन्यवाद। समस्या बची है किडनी की, वो भी बहुत जल्दी दूर हो, ऐसे सेशन ज्वाइन करते रहिए, मेरा पूरा विश्वास है आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। जी, धन्यवाद। ये बेटी का नाम क्या था? पूनम? गुरु जी, इसका नाम श्याम भी है ना? जी, क्योंकि नाम अच्छा है, ध्यान आता नाम। हाउ आर यू ब्लेसिंग शामी? शामी खुश हो? ओह नॉट बट लीस्ट, जया जी ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू आफ्टर लॉन्ग टाइम सीइंग। जया जी इज टेक केयरिंग ऑफ ऑल द इवन द पास ऑन द माय मैसेजेस एंड ऑल। अभी भारती जी दूर चली गई इंदौर से अमेरिका में, तो एक बार वापस करा दे। हमारे बीच में अभी विपिन उबेराय मैडम है जो कि देहरादून धर्मशाला से है, आज पहली बार जुड़ी है, इनका हम पूरा परिवार स्वागत करता है और इनसे आग्रह करता है कि समय समय पर इसी प्रकार सेशन में आते रहें। और जब भी हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कोर्स होने वाला है, यह कोर्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ अभी आने वाले जो 15 डेज है, नमस्कार सुचेता जी कैसी हैं आप? बढ़िया, आप प्रणाम गुरु जी, नीलकमल बोल रही हूँ। नीलकमल है, सुचेता तो इधर है, कैसी है बेटा तू? नीलकमल मैं खुश है? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? यू नो नीलकमल इज द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ चंडीगढ़, ऑल ओवर ग्लोब में इसको हीलर के रूप में जानते हैं, बट ये इसके केस हमको दे देती है, कोई नहीं होता। तो गुरु जी आप बात करो, आपका आशीर्वाद है गुरु जी, बस और कुछ नहीं। खुश हो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, आरोग्य रहो। सो हम जया जी को पहले तो वो बनाते हैं, हम म्यूट करना बंद हो जाएगा फिर हमारा। तो आज का पॉइंट एक ही, बांझन को गर्भ दे। अब आरती जब भी गाएंगे हम लोग, वो बांझन को गर्भ दे गाएंगे, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू, स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी टू सी पूनम। पूनम आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई एम रियली आई थर्ड टाइम आई सेम थिंग। तो क्या होता है, जिससे आपका आत्मिक लगाव होता है ना, और वो काफी दिनों बाद देखो तो ऐसा ही अनुभव हमको आता है। तो देखिए अभी गणेशा का मैसेज तो हमारे को जो चल रहा है, परसों खत्म हो जाएंगे गणेश के डेज, लेकिन गणेश के डेज खत्म होंगे, हम परसों एक इवेंट भी करने का सोच रहे हैं। आज 26 है, लेट मी कंफर्म भी आपको बताते हैं कि गणेशा हमको आपको बनना है किसी के लाइफ का, कोई प्रॉब्लम अपने आप से बात करके देखें। अगर आपके पास में कोई समस्या है, किसी का काम आपने रोक रखा है, वह दूर करके उसके जीवन के आप विधाता बन सकते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, आज तो कृष्ण जी भी आए हैं, तो लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग। मैं तो ऑलरेडी लेट देखता ही था, खुद ही था मैं, पर 4-5 डेज बाद देखा हमने आप लोगों को, तो इट वाज माय रेगुलर सेशन कंटिन्यू ईयर। आज हम करते हैं पुनः एक गणेश ध्यान, है ना। गणेश से हम क्या सीखते हैं, एक चीज, मंगल मूर्ति हम कहते हैं गणेश को, इसे मंगल मूर्ति मौर्य। मंगल मूर्ति क्या है? वह आप हो, वह पपिया है, वो भारती है, वह जया जी है, वो पूनम जी है, वह स्वाति जी है, वो कृष्ण जी है, वो सुचिता जी है, वो रूपा जी है, वो एवरीबडी। बट व्हाट यू नीडेड,
नीड सम करेक्शन. वॉट टाइप ऑफ करेक्शन? दैट इन आवर सेंस ऑर्गन्स. आवर सेंस ऑर्गन्स इज आवर सेकेंड रूम. तो लॉर्ड गणेशा नॉर्मल गिव द सेंस ऑर्गन फर्स्ट एंड सेकेंड रूम. फर्स्ट रूम क्या होता है आपका? फोरहेड. फोरहेड लाल गणेश का बड़ा है, तो बिकम ऑन फोरहेड, ट्राई टू मेक योर विजन बिगर. ठीक है. सेकंड रो योर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स योर ईयर्स. लाल गणेश ईयर्स आर बिग. व्हाट मैसेज वी गेट? थिंक बिग एंड लिसन मोर एंड मोर. आप अधिक से अधिक सुने. जिस दिन आपको बोलने का शौक की बजाय सुनने का शौक आ गया, आपका जीवन एक उत्सव बन गया. मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल चुप रहो. जब कोई प्रश्न पूछे उसका उत्तर, हम आधी एनर्जी हमारी गॉसिप में खत्म कर देते हैं, कोई पास्ट के डिस्कशन में खत्म कर देते हैं. तो क्या कर रही थी, ये क्या हो गया, ये कैसा क्यों हुआ, कैसा फॉरगेट ऑल. अगर सामने वाले को दिक्कत होगी आपसे बोलेगा. डोंट वेस्ट एनर्जी टू डिस्कस अबाउट द पास्ट. इफ आई हैव द प्रॉब्लम अबाउट माई पास्ट, आई विल डिस्कस विथ यू, देन यू गिव मी द सॉल्यूशन. वाई यू रिकॉलिंग द पास्ट? इट इज अ मैसेज एट यू आर वी आर यूजिंग इन वेन अवर एनर्जी ऑफ माउथ. तो गणेश जी के मुंह मंगल मूर्ति क्या है? उनके कान बड़े हैं, वीज मस्तक बड़ा है और मुंह छोटा है. मतलब सुनना अधिक, बोलना कम. आंखें छोटी छोटी, द आईज आर स्मॉल. मीन्स कोई भी चीज गंभीरता से देखना, तीक्ष्णता के साथ देखना. तो ये हो गए उनके सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स कैसे बनना? कान बड़े हैं, आंख छोटी है और मुंह छोटा है, कम बोलने का है ना, और नाक आपकी बड़ी है. तो वह एक मंगल मूर्ति में बदल जाएगा. अगर आप अधिक सुनते हैं, अगर आप ऊंची सोच रखते हैं, अगर आप तीक्ष्णता से देखते हैं और अगर आप में आने से कोई तकलीफ को पहले से ही जान लेते हैं, वो बोलते कम है, आप मंगल मूर्ति हैं मेरा मानो. यू आर मंगल मूर्ति. वी आर चेंटिंग मंगल मूर्ति मोरिया. अरे नथिंग इज देयर. वह मंगल मूर्ति बनाने वाले भी हम जैसे लोग हैं जो मट्टी से बना रहे हैं, उनके कान बड़े बना रहे हैं. तो दिस इज अ मैसेज फॉर यू टुडे, स्पेशल मैसेज. द मंगल मूर्ति, यू कैन मेक योर मंगल मूर्ति. यू आर वन मूर्ति. बट अगर आपके सेंस ऑर्गन्स को आप प्रॉपर शेप दोगे ना, तो ये आपकी मूर्ति मंगल मूर्ति बदल जाएगी. फिर व्यक्ति आपको प्यार करने लगेगा. आधा व्यक्ति आपकी बोलने से दुखी है. आप बोलकर, शब्दों में बोलकर, बयां करके किसी को अच्छा बोल दिया, बुरा बोल दिया, बुरा ही बोल ले. अधिक सुनने में कोई दिक्कत नहीं, सुन के मनन करना. मनन करना, ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर. मस्तिष्क में जाएगा ये, इसीलिए बड़ा हेड है गणेशा का. ऑब्जर्व करो क्या सुन रहे हो, फिल्टर करो. काम का नहीं है उसको सरेंडर करो, और जो काम का है उसको अपने पास रख लो, और जो रिप्लाई करने का उसका रिप्लाई दे दो. बस आके तिश, ये भाव लाना ही आपके जीवन को मंगल मूर्ति में बदल देता है. दिस फीलिंग दैट आई विल बी लिसन मोर, आई विल स्पीक लेस, आई विल सी विद द विजन, एंड माई नोज इज लॉन्ग, आई विल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस आई कैन स्मेल. These are tight. You are able to watch who is coming from behind without eyes. The power you are carrying, but we are not carrying the power. We are ignoring and we are doing the astonished to see someone else's power. You are already Lord Ganesha energy. Every God divine energy, Lord Ganesha, Lord Krishna, Lord Shiva, every energy is lying in your body. And if you do this, I am sure your 60% problem will solve
among the relationship. The cause of relationship is spoil is your tongue. One time, one human asked God, "Hey God, what good thing you had given as an organ, and what bad thing you had given as an organ?" So God said, "Tongue." Well, tongue, you can use is wisely, and you can use badly is to you. How you want to use it? आपको सबसे अच्छी चीज शरीर में मैंने जबान दी है, और सबसे खराब चीज भी जबान दी है. जिसको चाहे आप जबान से मीठा बोल के अपना बना सकते हो, और जिसको चाहे जबान से बोल के बिगाड़ सकते. वो कहते थे ना, हम सिर पर आइस फैक्ट्री, मुख पर शुगर फैक्ट्री, और हार्ट पर फायर फैक्ट्री. ये तीन फैक्ट्री लगा ली ना, तो कोई व्यक्ति की ताकत नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपके अस्तित्व को नहीं छेड़ सकता. जो एक मंगल मूर्ति के रूप में, आज ज्यादा ही बोल रहे हैं. यस, आ रहा है क्या? नो बडी कैन टच योर, यू आर मंगल मूर्ति, बट यू जस्ट रिपेयर योर सेल्फ. थोड़ा प्रयास करना है आपको, और कुछ नहीं करना है. बाकी यू आर मोर इंटेलेक्ट, आपको मालूम है अपनी बुद्धि का कैसा, लेकिन हमारी बुद्धि इंटेलेक्ट हमारे इमोशंस में इन्वॉल्व हो जाती है, हमारी ग्रीड में इन्वॉल्व हो जाती है, और हमारा इमोशन और ग्रीड से बड़ा मेरी सेल्फ प्रेस, मेरी तारीफ कौन करेगा, इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है. आज की तारीख में ग्रीड कम हो गया. चलो ठीक, ग्रीड रखता है वो, थोड़ा बहुत ग्रीड लालच रखता है. एक जो सेल्फ प्रेस की फीलिंग आ गई ना, कि मेरी कोई तारीफ करे. Who are you? You are a temporary body, temporary name. Everything is temporary. You are operating the money. एक खाने का आप ग्रास खाते हो बस, वो दांत से चबाते हो, इसके बाद सब कुछ काम अपने आप होता है. ये स्वचालित मशीन के मालिक हो आप. एनी टाइम कहते हैं लीवर को, बोले लीवर खाना पचा भैया, ऐसा बोलता कभी? हार्ट तो थोड़ा धीरे चल, आप भागोगे तो हार्ट भी तेज भागेगा बेचारा, जैसा चाहोगे वैसा करोगे. पर आपके ऑर्गन्स क्या है बेचारे, आप उल्टा सीधा कर करो. जिस प्रकार आपके पेरेंट्स के रूप में कुछ गर्म भी खा लिया ठंडा, अपने आप ठंडा भी कर देते हैं. ऐसी स्वचालित मशीन के मालिक हो, छोटी छोटी बातों में अपने आप को रोने लगते हो. इट्स ओके यार, ओके. तो वही गणपति बप्पा की मंगल मूर्ति का मैसेज, अगर ये चीजें आप लागू करोगे तो मेरा पूरा विश्वास है आपका जीवन भी मंगलमय होगा, और आप खुद भी मंगल मूर्तिमय रूप होंगे, और हर व्यक्ति आपको आदर मान सम्मान से देखेगा. नेवर ट्राई टू परचेस मान सम्मान. मान सम्मान कभी खरीदा नहीं जाता, ना मांगा जाता है. ये जो मांगा जाता है इसको भीख कहते हैं. क्यों पपिया ऐसा लगा मैं बोल रहा था? तुम तो पिया खराब बोलेगी क्या? तो पिया हाँ अच्छा लगा, ठीक बोलेगी. क्या भारती कैसा लगा मैंने वह लेक्चर दिया, तो सही लगा पपिया, अच्छा ही भारती अच्छी बोलेगी. मैं मांग रहा हूँ, मजा जब है जब भारती आगे चल के बोले, अरे कृष्णा जी आप तो इतना प्यारा बोल रहे थे. वो है, अरे तो हमने भी कहा बोले थे, कोई शक्ति कहने वाली थी, वह भी हम हमारे पास नहीं रखते, हम ऊपर वाले को दे देते. लेकिन मस्तिष्क में ये जिसे कहता ना आसक्ति रहती है कि कोई हमारी तारीफ करे, और कोई तारीफ करता है, अरे नहीं 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 ये तो गुरु जी का प्रताप है, ये तो भगवान का प्रताप है, ये तो उनका प्रताप है. हम सरेंडर भी रखते हैं, हमारे को इंस्टेंट खुशी मिल जाती है. ट्राई टू सेव योर सोल फ्रॉम द इंस्टेंट हैप्पीनेस. दिस इज अ वन टाइप ऑफ बेगर ऑफ प्लेस. ओके, एंड इवन द सेम थिंग बिगर ऑफ एपैथी. मैं तो बीमार हूं, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, मैं तो किसी ने देखा नहीं, मेरे को देखा नहीं. कौन देखेगा आपको? कोई नहीं देखेगा बेटा, आप ही देखिए अपने आप को. आपको एक जीवन तक आपकी मां ने पूरा जीवन बना दिया आपका. 18 साल तक आपको चलाया, मां ने सिखाया, पढ़ाया, खिलाया पिला, बड़ा कर दिया. बुद्धि आ गई, इंटेलेक्ट आ गया, अर्निंग आ गई, पैसा आ गया, बैंक बैलेंस आ गया. बैंक बैलेंस का अकाउंट बढ़ जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं.
कि मेरे से कौन पूछने नहीं आया कि मेरा बैंक बैलेंस का पैसा कैसे बढ़ेगा। अब मेरे शरीर को तकलीफ आ जाएगी तो मैं दुख मनाने जाऊंगा, वैसे कोई ये पूछा नहीं। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बेगर, नेवर समबडी आस्क। मैंने मैंने बहुत छुपाने की कोशिश करी, पर लेकिन कुछ लोगों के झूठ नहीं बोल सकता मैं। आई डोंट आई एम नॉट वेल, मेरे को थोड़ा हल्का सा आपको बोल देता हूँ, मेरे को बुखार लग के चार दिन पहले वायरल वो मेरे फीवर आया था पहले सालों बाद। देन इमीडिएटली मॉर्निंग आई वेंट कॉल्ड अप डॉक्टर, आई रिपोर्ट कराई, तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि 8 घंटे के अंदर रिपोर्ट करा लेते हैं। इमीडिएटली आई आई टॉक कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर स्टार्टेड द मलेरिया डोज 1 डे 2 डे ओके, बट आफ्टर टेकिंग द 3 डेज मेडिसिन लिटिल बिट वीकनेस। यस्टरडे आई वाज सपोज टू कम द सेशन बट ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल आई एम अनेबल टू, दैट्स आई सेड ऑल इज वेल सेशन विल बी टुमारो। ऐसा लाइफ में आता है, हर व्यक्ति की लाइफ में आएगा। कई लोग तो बोलते हो रहे गुरु जी हो और आप बीमार पड़ गए तो लोग क्या सोचेंगे। गुरु जी बोले नहीं, गुरु जी तो ध्यान में है, गुरु जी 3 दिन साइलेंस में। ऐसा झूठ नहीं, हम आप जैसे गृहस्थ के इंसान है, एक आम इंसान है, हमारा शरीर भी दुख दुख दुखता है, हमें भी पीड़ा होती है, हमें भी तकलीफ होती है, हमारे भी कभी कभी आंसू निकल जाते हैं अटैचमेंट के कारण, लेकिन ये सब हम देखते हैं क्षणिक है। एवरीथिंग इज अटैचमेंट ड्यू टू अटैचमेंट, आप ही ने उससे लगाव पैदा किया है। और मैं तो ये आज खुलकर कहूंगा कि आपका मांगा गया सुख ही कहीं ना कहीं दुख का कारण बनता है। मेरे इस वर्ड के ऊपर कोशिश करना आप, कुछ नहीं आपके द्वारा मांगा गया, व्हाट आर यू आस्क द हैप्पीनेस, यू थिंक इट्स फॉर माय हैप्पीनेस, बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज हैप्पीनेस इट्स फॉर माय पेन। तो सम टाइम द सेम हैप्पीनेस इज बिकम ए कॉज ऑफ पेन। माय डियर फोकस ऑन योर लाइफ, योर लाइफ लाइक ए सेलिब्रेशन, यू कैन कन्वर्ट इन ए मंगल मूर्ति एंड एंजॉय द गणेशा डेज। एंड फॉर दैट वन ग्रीन दुर्वा आई सजेस्टेड एवरीबडी, है ना, हाउ मेनी आर हैविंग, अभी कितने लोगों के पास गणेश दुर्वा है ना, आज अपने पास पे रखिएगा आप लोग, फिर बताएंगे। तो आइए टाइम हो गया, एक छोटा सा गणेश ध्यान करते हैं और मंगल मूर्ति ध्यान करते हैं हम, है ना।